अगर हमारी मशीन धागा काटे तो हमें इसकी रिपेयरिंग कैसे करनी है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बोल्ट को इन ये बोल्टों को सभी को ओपन कर लेना है। इस तरीके से खोल कर इस तरीके से खोल लें, यहाँ से देखें इस तरीके से खोल कर कुछ इस तरीके से हमें पत्ती को निकाल लेना है। अब हमें क्या करना है, अब इसे रख लेना। अब हमें लेना है एक कोलगेट ब्रश, इस तरीके का ब्रश ले लेना है। ब्रश लेने के बाद उस पर हमें क्या करना है, इस तरीके से पेस्ट लगा लेना है। और हमें लेना है ऑयल। तो अब हमें क्या करना है, लेना थोड़ा वाटर। वाटर लेने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से पेस्ट को इसमें डुबो लेना है। डुबो लेने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको इसकी सर्विसिंग करनी है। इस तरीके से हमें क्या करना है, ऐसे भी इस तरीके से इसकी भी क्लीनिंग कर लेनी है। इस तरीके से क्लीन करने के बाद अब हमें क्या करना है, अच्छे से सफाई करने के बाद इस तरीके से करने के बाद उसके बाद खूब अच्छे से इसकी करें क्लीनिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से पानी में धो लेने हैं। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से इसकी कर लेनी है, अच्छे से पोंच लें, इसे ऐसे भी अच्छे से पोंच लें। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है ये रेगमाल। रेगमाल लेके कुछ इस तरीके से आपको देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर निशान पड़े हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से आपको इस तरीके से पहुँच लें। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अच्छे से टाइट कर लें पैच। अब आपको ये वाला ऑयल ले लेना है इस तरीके से। उसके बाद ये वाला ऑयल ले लेना है। एकदम ये डन हो गया, बिल्कुल एकदम राइट।